हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ए क्लासरूम कॉम्प्रेंशन वन. ओके, कंसिडर द इक्वेशन दिस. लेट पी वन बी द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. पी टू इज द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, अल्फा बी द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन हैज सॉल्यूशन. ओके, ठीक है. एक तो इसको मॉडुलस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफ से. मॉड एक्स माइनस वन माइनस मॉड एक्स प्लस टू, इसका ग्राफ क्या होगा? माइनस टू और वन. ठीक है, वन पर इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री. ओके, वन के राइट में ये क्या ओपन होगा? दो, ये प्लस साइन के साथ, ठीक है, और ये भी प्लस साइन के साथ, तो आ गया माइनस थ्री. तो इधर होगा ये माइनस थ्री पूरा, ठीक है. माइनस टू से वन के बीच में ये खुलेगा प्लस साइन के साथ और ये खुलेगा माइनस साइन के साथ. तो यहाँ से इस पार्ट में आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन और ये खुलेगा प्लस साइन के साथ, ठीक है. तो ये कितना हो गया? माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है. तो माइनस टू पे इसकी वैल्यू कितनी है? वो है थ्री. ओके, माइनस टू पे इसकी वैल्यू आ गई थ्री. ये जीरो हो गया, ये थ्री. हाँ, ठीक है. माइनस थ्री के लेफ्ट में फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये माइनस खुला, तो वो वैल्यू आएगी प्लस थ्री, ठीक है. तो इसके बीच में इसको ज्वाइन करना है आपको. ओके, तो ये जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ किसका आया है? ये ग्राफ जो है इसका आया है. अब हमें किसका बनाना है ग्राफ? इसके मॉडुलस का. तो इसका यदि मॉडुलस लेना है तो पॉजिटिव पोर्शन तो वैसे ही रहेगा और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ओके, और एक और बात कि ये जो है जीरो कहाँ पर हो रहा है? माइनस हाफ पे, क्योंकि ये जो है क्या है? माइनस टू एक्स माइनस वन है, ठीक है. तो ये जीरो कहाँ पर हो रहा है? माइनस हाफ पर, ठीक है. तब तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे. ओके, ओके. हमने अभी देखा था कि ये इधर तो कांस्टेंट चल रहा था, ठीक है. ये ऐसे तो कांस्टेंट चल रहा है, चल रहा है. फिर आया ये माइनस हाफ पे जीरो. ओके, फिर उसके बाद ये चला गया ऐसे, है ना. माइनस टू पे भी वैल्यू थ्री है और यहाँ भी वैल्यू थ्री है, और फिर ये कांस्टेंट चला गया, ठीक है. तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ बन गया मॉड एक्स माइनस वन माइनस मॉड एक्स प्लस टू और फिर पूरे का मॉड. क्लियर है? इसका मॉड लेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ठीक है. अब क्या हो रहा है वो देखो. देखो वन पर जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी? माइनस थ्री. ओके, तो ये पॉइंट जो है वो है वन, और ये जीरो कहाँ पर हो रहा था? अभी बताया था माइनस हाफ पे, और ये पॉइंट कौन सा है? माइनस टू. और ये जो है ये थ्री है एक यहाँ पर, ये थ्री है. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? माइनस टू एक्स माइनस वन. ये है टू एक्स प्लस वन. ओके, तो ये ग्राफ आपका फाइनली आ गया, ठीक है. अब दिस इज इक्वल टू पी. अब ये जो है पी के इक्वल है. अब उसने पहला पॉइंट, पहला जो है क्वेश्चन, उसके पे बात करते हैं. पी वन इज इक्वल टू, पी वन क्या बोला था? हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. वन सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब देखो ऐसे समझो इसको कि मैं बोलूं कि ये लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ओके. अब ये जो लाइन है मान लो यहाँ पर है,
तो कितनी जगह इस रेड वाले ग्राफ को कट कर रहे, कहीं नहीं यहाँ। अच्छा जैसे थ्री पे आ गया तो थ्री पर कितनी जगह कट करेगी, तो इनफाइनाइट जगह। इधर इधर इस पोर्शन के इस -2 से छोटे में भी कट करेगी और 1 से आगे में भी। उसके बाद में उसको थोड़ा नीचे लाए, नीचे लाए, यहाँ पर कितनी जगह कट करेगी, दो जगह। और यहाँ पर जैसे लाया मतलब एक्स एक्सिस हो जाए तो कितनी जगह कट करेगी, एक जगह, मतलब हाफ जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, -1। ठीक है, फिर इसके नीचे गया तो कहीं कट नहीं करेगी, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला पार्ट है उसने बोला है कि हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। यदि 1 सॉल्यूशन है तो पी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, मतलब यही हो जाना चाहिए एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट के लिए सिंपली पी कितना आ गया आपके पास, 0। ओके, उसको उसने P1 बोला है। सेकेंड सेकेंड क्या बोला है, P2। P2 जो है एग्जैक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये जो लाइन है कहाँ पर आ जाने चाहिए, ये लाइन हो जानी चाहिए y=3, क्योंकि इधर और इधर कट करेगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो P2=3। तो फर्स्ट के लिए आंसर आ गया ए और सेकंड के लिए आ गया डी। ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है थर्ड में कि अल्फा किसको बोला है, कि सम ऑफ द ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो लाइन है यहाँ पर रहती है, मतलब P=3 होता है, तो तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, उसने बोला कि सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद टू टू पर होता है तब भी मिलेगा सॉल्यूशन, क्योंकि टू जो लाइन होगी वो ऐसी लाइन होगी। 1 होगा तब भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, 0 होगा तब भी मिलेगा, और उसके बाद नीचे निगेटिव में चले जाओ तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इन सब का सम कितना हो गया, 5 और 1 6, तो आंसर इज 6। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, पी। ओके,